पे गए, उन्होंने बस सिर्फ हमारे फेस को देख के लिख दिया कि आप नेपाली हो, आपको नेशनलिटी लेके आनी पड़ेगी और उसके बिना बिहाफ पे आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। वाकई देश बदल रहा है, कपड़ों से इंसानों की पहचान हो रही है और चेहरा देखकर उसकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये खबर चौंकाने वाली है क्योंकि नागरिकता को लेकर पहले से ही देश में बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, पूरा मामला हरियाणा के अंबाला का है, जहाँ रहने वाली दो सगी बहनों के साथ चंडीगढ़ पासपोर्ट कार्यालय में अजीब वाकया हुआ। दोनों बहनें जब पासपोर्ट कार्यालय पहुंची तो वहां बैठे अधिकारियों ने इनके दस्तावेज तक नहीं देखे, बस चेहरा देखा और दो टूक शब्दों में कह दिया कि आप दोनों नेपाली हैं। पासपोर्ट के लिए पहले आपको नेपाल की नागरिकता दिखानी होगी। सर, हम पासपोर्ट ऑफिस में गए थे, हमारा इश्यू था कि आपके पासपोर्ट नहीं बन रहा था। जब हम वहाँ पे गए, उन्होंने बस सिर्फ हमारे फेस को देख के लिख दिया कि आप नेपाली हो, आपको नेशनलिटी लेके आनी पड़ेगी और उसके बिना बिहाफ पे आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था उन्होंने हमारा। जरा सोचिए, जो बेटी भारत में जन्मी, भारत में ही पली बड़ी, भारत में ही शिक्षा ली, पहचान की सारे दस्तावेज उसके पास हो, जन्म सर्टिफिकेट से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तमाम डिग्रियां भी उसके हाथ में हो और फिर भी उसका चेहरा देखकर उसे नेपाली करार दिया जाना किस हद तक सही है। हालांकि अंबाला की रहने वाली संतोष नाम की इस बेटी ने हार नहीं मानी, उसने गृह मंत्री अनिल विज से भी गुहार लगाई, जिसके बाद अंबाला के उपायुक्त ने मामले में खुद संज्ञान लेकर संतोष का पासपोर्ट बनवाने का आदेश दिया। एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था उन्होंने हमारा पासपोर्ट। पर जब हम अनिल विज के पास गए, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने हमारी सुनवाई की तो उन्होंने डीसी के ऑर्डर पे कहने पे आज हमारा पासपोर्ट का काम प्रोग्रेस में है। देखिए, ऐसा है, पासपोर्ट ऑफिस में एक भगत बहादुर हैं कृष्णा कॉलोनी अंबाला सिटी के, वो अपनी दो बेटियां संतोष और हिना के लिए पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ गए थे, तो वहां उन्होंने इट सीम्स टू बी नेपाली लिख करके उनको वापस कर दिया। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया परसों, तो कल मैंने पासपोर्ट ऑफिस में बात की वहां पे, और हमारे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई कि भी ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट उनको चाहिए, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो कैसे रोक सकते हैं। तो आज हमारे इंटरवेंशन से उन दोनों को वहां बुलाया गया है और उनका पासपोर्ट की कार्रवाई कर दी गई है और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका पासपोर्ट बन करके उनके घर पहुंच जाएगा। यह पूरा वाकया था, मेरे संज्ञान में ही समाचार पत्र से आया था, तब मैंने स्वयं इनको फोन किया, हालांकि मेरे से मिले नहीं थे कभी ये, मैंने स्वयं इनको फोन करके और उनको कहा कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए, हमारी बात हो गई है, और आज उन्होंने वापस आकर के हमें बताया कि हमारा। यूँ तो संतोष अपने पिता के बुटीक में ही काम करवाती है, लेकिन कुछ समय पहले संतोष ने विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा था और उसी सपने को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ स्थित पासपोर्ट कार्यालय में अपना पासपोर्ट बनवाने गई थी। हालांकि जिला उपायुक्त के आदेश पर अब संतोष के पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी ने संतोष का चेहरा ही क्यों देखा, उसके दस्तावेज क्यों नहीं देखे और बिना सोचे समझे ये कैसे कह दिया कि संतोष नेपाली है और उसे पासपोर्ट के लिए नेपाल की नागरिकता लानी होगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।